बावाज़े बुलंदर सलावात सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अहमद व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरात मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीन अन'अमत अलैहिम गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलाद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأوصيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف لأبي القاسم محمد صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه سال ہجری کا باقاعدہ آغاز ماہ محرم کا پہلا دن اور ہمارے لیے اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ इस ख़बर के साथ कि मुहर्रम की आज पहली तारीख है, ये हमारे अंदर बहुत सारे इनकलाबात, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे एहसासात और बहुत सारे ख़यालात को जन्म देता है। हम बस इतना सुन लें कि माह मुहर्रम की इब्तिदा है, हमारे लिए इश्क़ हुसैन की इंतहा है। मेरी तरह मुझे यकीन है हर कोई ये अपने दिल में तमन्ना और ये पहली दुआ करता है कि मौला इस दुनिया में हमें अपनी ज़ियारत नसीब करना और आखिरत में अपनी शफ़ात नसीब करना। ऐसा ही है, और चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, चाहे कितनी ही ज़िंदगी के अंदर आजमाइशें क्यों ना हो, लेकिन जब सुनते हैं कि ज़हरा के लाल का मातम है, तो ना मौसम, ना औलाद की मोहब्बत, ना ज़िंदगी की मसरूफियात और ना ही कोई दूसरी आजमाइश हमारे बीच में आती है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ दूंगी, आज पहली मुहर्रम है, इस फर्श पर मैं और आप बुलाते हैं उस बीबी को जो पुरसा लेने हर हर दरवाजे पर, हर हर फर्श पर खुद तशरीफ़ लेकर जाती है। दुआ दूंगी आप सबको, परवरदिगार आपके आंसुओं को रुमाले फातिमा तो जहरा में जगा दे। हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं, वो अक्सर कहते हैं कि जब मजलिस में बैठो तो ये सोच करना बैठो कि अच्छे आंसू आ जाएं, अच्छा पुरसा दे दें, अच्छा गिरिया हो जाए, अच्छी कुर्बत मिल जाए। ये दुआ किया करो कि जो तुम्हारा ईमान है, बीबी हर मजलिस में आती हैं, दुआ करो बीबी रोने के लिए तुम्हारे करीब तरीन जगह का इंतखाब करें, और जब वो तुम्हारे पास बैठने का इरादा कर लेती हैं, जब वो तुम्हारे करीब उस फर्श पर बैठ जाती हैं, तो फिर तुम्हारे दिल में वो सारी ख्वाहिशात जो कुर्ब की है, जो आंसुओं की है, जो पुरसे की है, जो इन आंसुओं को अपनी कब्र तक पहुंचाने की है, जो इमाम की ज़ियारत या इमाम के शफ़ात की, वो सब हासिल हो जाता है। इसलिए दुआ दूंगी, परवरदिगार आपकी हमराही में जनाब फ़ातिमा ज़हरा को बैठना और आपको ये नशिस्त नसीब करे। अल्लाह करे कि वो इस महफिल में हर जगह बैठी हों
और जहाँ जहाँ बैठे हमें इस बात का इदराक हो जाए, हमें इस बात का एहसास हो जाए। ये गम 3 शाबान को इसकी इब्तिदा हुई, जब जनाब फातिमा तो ज़ारा के घर में दूसरे बेटे की विलादत हुई। तरीक़ा ये था कि घर का बुज़ुर्ग, घर का सरपरस्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु, आपकी खिदमत में हर नौ मौलूद को पेश किया जाता था। इसी तरह इमाम हुसैन की विलादत जब हुई तो जनाब फातिमा और अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में पेश किया। रिवायत कहती है कि जनाब उम्मे सलमा वहीं मौजूद थी, कहने लगी अभी बच्चे को गुस्ल नहीं दिया, इसे गुस्ल दे देने दो, फिर हम इसे रसूल की आगोश में देंगे। नबी खुदा ने पलट कर देखा और फरमाया मेरे लाल को किसी गुस्ल की एहतियाज नहीं, ये पाक को पाकीज़ा हैं और अल्लाह ने हर रिस को, हर नापाकी को इनसे दूर रखा है, मेरी आगोश में इस नौ मौलूद को दो, क्या मकाम है मेरे मौला का। लिहाजा इमाम हुसैन को जब अपनी आगोश में लिया, रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन ने, खातमुन नबीयीन ने, रसूलुल मुरसलीन ने अपने सीने से लगाया और अश्क बहे, आंसू गिरे। रिवायत है इतना नबी ने गिरिया किया कि आपकी रीशे मुबारक तर हो गई। जनाब फातिमा ने सवाल किया और कहा बाबा जान खुशी है कि मेरे घर में दूसरा फर्जंद आया है और आप गिरिया कर रहे हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया क्या है फातिमा, मैं इसकी उन मुसीबतों को याद करके गिरिया कर रहा हूँ जो इस पर उस वक्त पेश आएंगी जबकि ये यकाओ तन्हा होगा, इसके साथ कोई मौजूद नहीं होगा। जनाब फातिमा ने पूछा ऐसी हालत में मेरे फर्जंद के साथ क्या होगा, आपने फरमाया ये बेखता प्यासा ज़िबाह भी किया जाएगा और मारा भी जाएगा। आज़ादारों खुदा आपके आंसुओं और गिरिए को कबूल करें। बीबी ने जब ये सुना, सुनिए, बीबी ने जब ये सुना तो नबी से एक सवाल किया, सवाल किया क्या कोई मेरे बेटे को याद करेगा। रसूल अल्लाह ने इन्हीं मजालिस की गवाही दी, आपके और मेरे बैठने की गवाही दी और फरमाया आप सब जानते हैं अल्लाह एक कौम बनाएगा, वो कौम तेरे हुसैन का मातम करेगी, वो उसके जिक्र को फरामोश नहीं करेगी, उसको हमेशा याद रखेगी। जनाब फातिमा ने जब ये सुना तो फरमाया रसूल अल्लाह मैं उन आँखों के लिए दुआ करूँगी जो मेरे फर्जंद पर गिरिया करे, मैं उन चेहरों पर सलाम भेजती हूँ जिन पर वो आंसू गिरेंगे, और परवरदिगार मैं तेरे हुजूर दुआ करती हूँ कि जो मेरे हुसैन पर रोए वो मेरे शीओं में से हो, मेरे हुबदारों में से हो, मैं जन्नत में दाखिल ना होंगी जब तक हुसैन पर रोने वाले के लिए शफाअत का परवाना ना दे दूँ। याद किया 3 शाबान को रसूल खुदा जो रहमतुल लिल आलमीन है और फातिमा ज़हरा जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, उन्होंने इन मजलिसों को, इन महफिलों को जो नाम हुसैन बपा की जाती हैं, तबरीक है खुदा का फजल है। हम एक दूसरे को अगर इस बात पर मुबारकबाद भी दें कि ये मकाम ये मनसब मिला है तो गलत नहीं है, एक दूसरे को ये दुआ दें कि खुदा तुम्हें हमेशा आज़ादार रखे, ये अजब नहीं है। दुआ दूंगी मैं आप सबको कि परवरदिगार मेरा और आपका खात्मा बिलखैर रखे, इश्क़ अहलुल बैत में जीना हो, इश्क़ अहलुल बैत में मरना नसीब हो, हमारी नस्लों को, हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने वाली नस्ल दर नस्ल इश्क़ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम में रहें, जो हलाल अहलुल बैत है उसे हलाल समझें, जो हराम अहलुल बैत है उसे हराम समझें। दुआ दूंगी फातिमा ज़हरा आपके आंसुओं को अपने रोमाल में जगा दें। दुआ दूंगी इन बानियाने मजलिस को जिन्होंने इतने खलूस से इस मजलिस का इनकाद किया है, परवरदिगार उनके हर हर अमल को ज़्यादा राह आखिरत बना, और जनाब फातिमा ज़हरा आप सबके चेहरे को पहचाने महशर के आलम में, पहचाने आपके चेहरे को कि ये वो खातून थी जो फलां मजलिस के किसी कोने किसी गोशे में बैठकर मेरे हुसैन को रोती थी। दुआ देती हूँ परवरदिगार
जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सब अज़ादार के चेहरों को पहचाने, उनके आंसुओं को अपने पास महफूज रखते हुए उन्हें महशर के आलम में याद करके आप सबको शफाअत मिले। शफाअत फातिमतुज़्ज़हरा रोज़े हशर मिले, दाखिला जन्नत जनाब फातिमतुज़्ज़हरा के हमराह मिले। परवरदिगार हमारी इस इबादत को ज़ादे राह आखिरत बना। ये इस फर्श अज़ा की इब्तिदा है जो रसूल अल्लाह ने की है, और रसूल खुदा को ये अदब जिब्राइल ने सिखाया है, और जिब्राइल को हुसैन पर रोना अल्लाह ने सिखाया है। ये इलाही मनसब है, ये अल्लाह की तरफ से है। ज़ियारत आशूरा जो हमें सलीक़ाए आज़ादारी सिखाता है, वो ज़ियारत आशूरा अल्लाह ने जिब्राइल को, जिब्राइल ने रसूलल्लाह को सिखाई है। हुब्बे इमाम हुसैन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, सुन्नत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हम इस मोहब्बत के मारे इन मजलिसों में आकर बैठ जाते हैं, ये सादा सी बात है। दूसरी बात, माह मुहर्रम के साथ ही ये इतनी मजालिस, ये इतनी नशिस्त, ये तरीक़ा कि कोई बैठे और नसीहत करे, ये सलीका कि हमें कुरान और हदीस सुनाई जाए, ये तरीक कहाँ से आया है? हाँ, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, खुदा का फ़ज़ल ये रहा, अगर आप सब जानते हैं तारीख़ करबला पर सरसरी सी नज़र डाली जाए तो इमाम हुसैन ने सरज़मीन करबला 6 खुतबे दिए, 6 खुतबे दिए, और उन 6 खुतबों में हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नसीहत की है, वाज किया है। जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद ये था कि वो मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं, वो गफलत से बेदार हो जाएं। हाँ, रसूल अल्लाह की ज़बान को वहां पर जारी किया, अमीर अल मोमिनीन की नसीहतों को एक दफा फिर जिंदगी बख्शी, खुतबा फदकिया क्या हलाल और हराम क्या है उसको आपने करबला में मुख्तसर सूरत में बयान किया। आपका मकसद क्या था? कि तुम मेरे दुश्मन इसलिए हो क्योंकि तुम सब कुछ जानने के बावजूद इस वक्त गाफिल हो, बेखबर हो, नहीं जानते कि तुमसे कितनी बड़ी खता सरजद हो रही है। करबला में ये मामला तो नहीं था ना कि कोई कहे कि ये फातिमा का बेटा है और कोई कहे कि ये आमिना का बेटा है। क्या ये शुभात मौजूद थे? सबको यकीन था कि ये खातून जन्नत का फर्जंद है और ये खुद जन्नत का बादशाह, शहजादा है, सैयद है, सरदार है। सबको यकीन था इस बात पर। तसव्वुर करें ना कि सब जानते हैं जन्नत इसी के हवाले है, और फिर भी लोग अगर आपके सामने दुश्मन होकर आपके मद्दे मुकाबिल हरीफ बनकर खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है? उस लश्कर की सबसे बड़ी बीमारी क्या थी? वो गाफिल थे। ऐसा नहीं है कि वो बेखबर थे, खबर रखते थे, सब जानते थे, और जो जानते थे उसमें कोई शुभा नहीं था, कोई शक नहीं था। किसी ने ये नहीं कहा कि आया ये फातह मुबाहला है या नहीं। सब ने कहा यही है जो फातह मुबाहला में से है। हाँ, किसी ने ये नहीं कहा कि रसूल अल्लाह और इसका रिश्ता क्या है। सब एक दूसरे को बताते थे ये फर्जंद रसूल है, नवासा रसूल है, रसूल इसे अपने शानों पर बिठाकर कहते थे देखो क्या सवार है। हाँ, क्या सवार है।
इसी लश्कर में वो लोग मौजूद थे जो एक दूसरे से कहते थे, हम उस नमाज जमात में मौजूद थे जहां रसूल के शाने पर हालत सजदा में यही शख्स बैठ गया था और नबी ने अपने सजदे को तूल दे दिया। ये कहीं पर भी शुभहात में ना था उन लोगों के हुसैन कौन है, ये कहां से आया है और इसकी हकीकत क्या है। सबको सब कुछ इल्म था, जानते थे और ना ही कोई निस्यान या फरामोशी में था, कोई भूला हुआ नहीं था। इसीलिए इमाम ने खुतबात दिए कि अगर कोई भूला हुआ है तो उसको याद आ जाए। इसीलिए आपने खुतबात दिए कि अगर कोई बेखबर है, जिसको नहीं मालूम, उसको इल्म हो जाए। लिहाजा जब फरामोशी नहीं है, कोई भूला हुआ नहीं है, बेखबरी नहीं है, यानी जहालत नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि सैयद शबाब अहलुल जन्ना के सामने मुसलमान आ जाए जो जन्नत हासिल करना चाहते हैं नारे तकबीर के साथ ही वो अपने सामने मौजूद एक इतनी अजीम हस्ती के खून के कायल हैं। क्या वजह है कि ये लोग इस मर्ज में मुब्तला हो गए। खुदा वंदे करीम, इसीलिए कुरान के अंदर सूरह अंबिया की पहली आयत में फरमाता है, इक्तरबा लिन्नासि हिसाबहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिज़ून, के लोगों के इतने करीब उनका हिसाब, उनकी आजमाए आ गई है, लेकिन वो गफलत की वजह से मुंह फेरे हुए हैं। तो जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसने मुसलमान को दुश्मन इमाम हुसैन बनाया, वो सब जानते हुए गफलत में पड़ जाना है। और इस फर्श इन तमाम मजालिस का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि अगर कहीं हमारे ज़मीर और हमारा नफ्स सोया हुआ है तो हम उसे उस गफलत से निजात दिलाएं और अपने आप को उस लम्हे के करीब ले आएँ जहाँ जब हमसे सवाल हो तो हमारे पास जवाब मौजूद हो। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, इक्तरबा लिन्नासि हिसाबहुम, लोगों के करीब उनका हिसाब किताब आ गया, की जवाबदेही आ गई है। जब अल्लाह ये कह रहा है कि लोगों का हिसाब किताब उनके करीब आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो इतना नज़दीक है कि उसको अब जाग जाना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए और अपने आप को तैयार और आमादा करना चाहिए। लेकिन क्या कहता है खुदा, वहुम फी गफलत मुअरिज़ून, लेकिन वो अपने हिसाब किताब आपको जो उसके करीब आ गया है उसके लिए जवाबदेही की आमादगी करने की बजाय मुंह फेर लेते हैं और गाफिल हो जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं और गाफिल हो जाते हैं। गफलत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। लिहाजा हम अगर देखना चाहें कि खुदा करीब से मुराद क्या कह रहा है जिससे हम गाफिल हैं, अगर हम कुरान की इस आयत को थोड़ा सा नजदीक से देखें तो कुर्बत के छह मरहले हैं जिसे अमीर अल मोमिनीन ने बयान फरमाया है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
लिहाजा छह मराहिल हैं इंसान की जिंदगी के। पहला मरहला, मेरे ख्याल में तीन मरहले हम सब ने तय कर लिए हैं और हमारे तीन मरहले हम सब के बाकी हैं। पहला मरहला फरमाया युखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब, कि इंसान अपने बाप की पुश्त में से आता है। कुरान भी कहता है ना कि पुश्त आदम में हमने सुल्ब को, सुल्ब आदम में हमने तुम्हारी इंसानी नस्ल को रखा। पहला मरहला हम सब अपने बाप की पुश्त में थे। युसव्विरुकुम फिल अरहाम, खुदा कहता है कि माँ की शिकम में हमने तुम्हारी सूरतों को बनाया। सुल्ब से निकले हैं, माँ के शिकम में आ गए, ये दूसरा मरहला है। तीसरा मरहला फरमाया वल्लाहु युखरिजुकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के शिकमों से फिर बाहर निकाल दिया। ये तीसरा आलम है। बाहर निकाल के हम कहाँ आए? आलमे मादा में। लिहाजा जिस मरहले पर हम अभी जी रहे हैं वो आलमे मादा, ये दुनिया है जहाँ हम अपने माओं के शिकमों से बाहर आ गए। उसके बाद अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं तीन मरहले बाकी हैं। चौथा मरहला कब्र, पाँचवा मरहला क़यामत, और छठा मरहला या बहिश्त है या जहन्नम है। लिहाजा ये जो तीन मरहले हम गुजार चुके, ये करीब थे हिसाब किताब के, लेकिन हम उससे और आगे आ गए। अब हम चौथे मरहले की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। माँ के शिकम से निकलने के बाद जो अगला मरहला है वो है कब्र का, मौत का। लिहाजा इंसान अपने आप को मौत के लिए तैयार करे। क्या मौत आखिरी मंजिल है? नहीं, उसके बाद कयामत है, उस कब्र से भी उठना है। क्या कयामत आखिरी मंजिल है? नहीं, कयामत का भी एक अंजाम है कि जो कयामत से गुजर जाएगा, हिसाब किताब की मंजिल मीज़ान सरात सब को कर लेगा, फिर खुदा या उसको जन्नत में रखेगा या उसको जहन्नम में रखेगा। दाइमन अबदन खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये जो आखिरी तीन मरहले हैं, पहले तीन तो हमने गुजार लिए, आखिरी जो तीन मरहले हैं इसको इमाम खुदा फरमाता है कि ये इक़तरब लिन्नास, इंसान के करीब तरीन है, और इन तीन मरहलों के लिए इंसान खुद को आमादा करे, तैयार करे। अल्लाह ने हमें जो फितरत दे रखी है उसके अंदर सारा इल्म मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को जाहिल नहीं पैदा किया, आलिम पैदा किया है। आप एक इंसान से ये कहें कि मैंने चोरी की है, आपको आपके अंदर से कोई कहेगा वाह बहुत अच्छा काम किया है? नहीं, आलिम है। आपके अंदर खुद अल्लाह ने आपकी फितरत को इस्लाम के मुताबिक पैदा किया है। किसी से कहें कि मैंने फलां को कत्ल कर दिया, कोई सराहेगा? नहीं, अल्लाह ने आपको आलिम बनाकर भेजा और कहेगा कत्ल नफ्स तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह कोई और बुराई या खामी अगर आप करें तो कोई भी आपको शाबाश नहीं देता। ये इल्म कहाँ से आया? और क्या ये इल्म सिर्फ हमारे अंदर है? पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के अंदर फितरत को अल्लाह ने सालिम व आलिम बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फितरत से हुम अनहा मुअरिज़ून, मुंह फेर लेते हैं। फितरत हमें कहती है, सच सच एक बात बताएं मेरे और आपके दरमियान, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बुरा किया और अंदर से ही आपके फुड़ुक फुड़ुक कर आपके नफ्स ने आपको ये बताया हो कर तो तुम गलत रही हो? हाँ, ये अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक रसूल को रखा है जो हर वक्त तबलीग कर रहा होता है। हाँ, आपके अंदर की पाकीज़गी कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह का ये लुत्फ़ है कि उसने हमें ऐसा बेज़मीर नहीं रखा कि हम कहें कि हमें कोई बताता तो हम करते। लिहाजा हर नफ्स, हर इंसान, हर जी शऊर, हर जी नफ्स अपनी जगह खुद आलिम मौजूद है। लेकिन फिर हम जब हमें अंदर से बार बार कोई कहता है कि ये तुमने गलत किया तो हम क्या करते हैं? हम उससे मुंह फेर लेते हैं और किस तरफ कदम बढ़ाते हैं? गफलत। नज़रअंदाज करो, आसान से मिसाल दूं,
कि जब कोई इंसान गाड़ी चला रहा होता है, आप लोगों के यहाँ तो कम ही होता होगा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, कि गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन देखा जाता है और फिर फ़ोन जैसे ही पहली नज़र पड़ती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, कैसे होता है? क्योंकि आप सब जानते थे कि गाड़ी चला, वाकया सुनाता है, कहता है कि मैं एक दफ़ा मोटरवे पे जा रहा था, मैंने देखा कि एक गाड़ी बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है और बहुत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ये गाड़ी, कहता है। मैंने सोचा यकीनन इसने नशा किया होगा, नशे की हालत में चला रहा होगा तभी। फिर कहते हैं मैंने देखा आगे बहुत बड़ा दरख्त है जो रोड के करीब है, कहता है मैंने सोचा नहीं इसका बैलेंस चला गया होगा इसलिए ऐसा हुआ है। फिर मुझे ख्याल आया मैं क्यों किसी को बुरा कह रहा हूँ, हो सकता है इसका टायर फट गया हो और उसके नतीजे में इसकी गाड़ी इतनी बुरी तरह जाकर लगी है। कहता है मैं उस गाड़ी के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने अपनी गाड़ी को अगले की गाड़ी से मार दिया। मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तीनों बातें जो मैं सोच रहा था वो नहीं थी, वो मेरी तरह गाफिल था, उसने देखा ही नहीं कि आगे एक और गाड़ी मौजूद है। लिहाजा गफलत जो है वो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ आप सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ का इल्म मौजूद है, लेकिन आप हकीकत से अपने आप को दूर कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। अल्लामा रूमी, मौलाना रूमी बहुत खूबसूरत एक वाकया बयान करते हैं, कहते हैं कि एक दफ़ा एक मुर्गी थी जो एक कीड़े को खाने के लिए दौड़ती है। कीड़ा देख लेता है मुर्गी मुझे खाने के लिए आ रही है, लिहाजा वो घास के अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुर्गी दौड़ तोड़ के भूख के सारे बीच में अपनी चोंच मार मार के उस कीड़े को ढूंढ लेती है और खाने की कोशिश करती है। अभी ये वाकया मुर्गी और कीड़े के दरमियान हो ही रहा होता है कि मौलाना रूमी कहते हैं कि एक लोमड़ी अपनी निगाह उस मुर्गी के ऊपर और उस कीड़े के ऊपर डालकर बैठी होती है कि वो सोचती है इससे पहले कीड़ा खाने तो फिर मैं इसको खाऊंगा। जैसे ही वो उस कीड़े को खाती है, उस मुर्गी की गफलत का फ़ायदा उठाते हुए शिकार और शिकारी दोनों उसका लुक्मा बन जाते हैं जो हर चीज़ को देख रहा होता है। हाँ, हम मुर्गी की मानिंद हैं, हम कीड़े के पीछे अपने पास मौजूद इतने बड़े दुश्मन को नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आपका एक फरमान है जो हमें बेदार करने के लिए बहुत है। आप फरमाते हैं इनकान शैतानु अदुवन फल गफलतु लिमादा, फरमाते हैं अगर शैतान हमारा दुश्मन ही ठहरा है तो गफलत किस लिए, किस लिए बेखबरी, किस लिए अपने आप को दूसरी जानिब, सारी अपनी तवज्जो की मरकज अपना दुश्मन होना चाहिए। जब शैतान मौजूद है तो कैसे कोई इंसान सोच सकता है कि मेरे लिए जो चीज़ सबसे बड़ी नुकसान का बायस बन सकती है वो मेरा फलां फलां दुश्मन है। हम जो कीड़े के पीछे पड़कर शैतान को फरामोश कर देते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हमसे हिसाब किताब मांगा जाता है तो हमारे पास दुश्मन की खबरें तो बहुत होती हैं लेकिन अपना हाल नहीं होता। हम आसपास के लोगों से तो बहुत ज़्यादा आगाह रहते हैं लेकिन अपनी कैफियत से बेखबर हैं। यही वजह है कि खुदा इस बीमारी से निजात के लिए हत्ता सरे मेराज रसूल अल्लाह को भी आगाह करता है। जब नबी खुदा मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो अल्लाह ने रसूल अल्लाह को मुखातिब करके कहा, या अहमद अंत ला तगफल अबदा मन गफल अन्नी ला उबाली बी अय वादिन हलका, ए अहमद हरगिज मुझसे गाफिल ना होना और जो मुझसे गाफिल हो गया मैं परवाह नहीं करता कि वो किस जगह जाकर हलाक हो जाए। सरे मेराज काब कौसैन की मंजिल असरारे इलाहिया जब खुदा बयान कर रहा है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल मुरसलीन से कह रहा है गाफिल ना होना, गाफिल ना होना। अल्लाह अकबर, अगर मेराज पर अल्लाह माबूद मोहम्मद अब्द के दरमियान गाफिल ना होने की बात हो रही है
तो हमारी ये कन्वर्सेशन अगर गफलत पर मुबतला है तो तसव्वुर कीजिए हमें कितने रिमाइंडर्स की ज़रूरत हो सकती है, या हमारी ये गफलत किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए रसूल अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं अदर्रुल अदा अल-गफला, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला दुश्मन इंसान की अपनी गफलत है। सबसे बड़ा दुश्मन जो कोई इंसान अपने लिए पाल सकता है वो गफलत है। फिर फरमाया अल-गफलतु तक्सिबुल एतज़ाली मिनल बवा, फरमाया कि जो गफलत है वो इंसान के अंदर तकब्बुर और गुरूर को जन्म देती है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कितना कमज़ोर है। ये इंसान की हलाकत और गुरूर का बाइस बन जाती है। मेरी जान क़ुरबान अमीर अल-मोमिनीन पर जिन्होंने इंसान के लिए आजिज़ी को मेयारे रहबरी बनाया है। हाँ, अमीर अल-मोमिनीन जब दुनिया वालों के मुताबिक खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो आपने क्या चीज़ सबको बताई कि जो इंसान जिस कदर अपने लिए आजिज रहेगा वो उसी कदर खुदा के नज़दीक मोतबर रहेगा। अगर इंसान अपनी हकीकत भूल जाए तो वो कभी 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 भी बरगुजीदगान में से नहीं हो सकता। मेरी जान कुर्बान मेरे मौला पर कि जो इंसानों में सबसे ज़्यादा अफजल तरीन करार पाए लेकिन आँखों ने क्या देखा, सख्त तरीन रोटी लेकर उसको नहर के पानी में डाल डाल कर अपने जानों पर उसे तोड़ते हैं और फिर उसको खाते हैं। सुभान अल्लाह, कि कभी भी अपने एक छोटे या बड़े मामले में भी गुरूर में या तकब्बुर में इंसान मुबतला ना हो। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा आयतुल्ला तकी बहजत का। आयतुल्ला तकी बहजत बहुत बड़े आलम गुजरे हैं। दो चीज़ें उनसे सीखने की। पहले दिन उनसे पूछा गया कि आपने ये मकाम ये मर्तबा कैसे पाया, तो आपने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया इंसान और बुराई के दरमियान एक हिजाब है, एक पर्दा है, उस पर्दे को हटाना होता है। हाँ, बुराई सबके पास आती है, कोई ये नहीं कह सकता कि उसके नज़दीक बुराई नहीं आती ही नहीं है। शैतान कभी भी किसी को छोड़ दे नहीं हो सकता। हाँ, शैतान हर एक पर हमला आवर होता है, ये अलग बात है कि हर एक पर हमला करने की जो नौइयत है वो अलग होती है। शैतान हो सकता है कि आपको किसी और हवाले से गुमराही की तरफ लाए और मुझे किसी और हवाले से गुमराही की तरफ लाए। लिहाजा उन्होंने कहा कि बुराई मेरे तक भी, हर इंसान तक भी आती है, लेकिन हमारे और बुराई के दरमियान एक पर्दा है कि उस पर्दे की अगर हिफाजत कर सको तो तुम्हारे तक शर नहीं आएगा। पूछा वो पर्दा क्या है, कहा गफलत का। कहा गफलत के पर्दे को कैसे हटाया जाए। सुभान अल्लाह, आपने फरमाया अक्वाल मासूमीन दिलों को नूरानी करते हैं, उनके इल्म से, उनके अक्वाल से, उस मौइज़त उस नसीहत से उस पर्दे को हटाया जा सकता है। कि आप कहें कि ये जो गफलत का पर्दा है ये मेरे और गुनाह के बीच में नहीं है, मैं आगाह हूँ ये गुनाह मुझे कैसे ज़रर पहुँचा सकता है, मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ये अमल सरज़द किया तो मैं किस नतीजे पर जा सकता हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने जो की, उनके शागिर्द हैं वो खुद लिखते हैं, कहते हैं कि हम जवानी में थे और हमने बहुत सुना आयतुल्ला तकी बहजत का कि वो बेहतरीन उस्ताद हैं और उनके पास इरफान है, यानी सारे पर्दे कशफ शहूद है, वो लोगों की हकीकत को देख लेते हैं। हमने सोचा हम भी जाते हैं उनकी शागिर्दगी में। लिहाजा कहते हैं कि जब हम उनके पास गए उन्होंने कहा कि मैं मशहद जा रहा हूँ, मेरे साथ मशहद चलो, अगर मशहद में मेरे साथ ज्यारत करोगे तुम्हें सारे आदाब आ जाएंगे। मौलाना तकी बहजत इतना बड़ा नाम, कहते हैं हम चार पांच तालिब इल्म उनके हमराह हो गए। हम गए, जब होटल पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा मेरे साथ चलो, हम उनके साथ साथ चलने लगे। रास्ते में एक जगह रोटी गिरी हुई थी, कहते हैं मुझसे उन्होंने कहा हमसे कहा ये रोटियां जो गिरी हुई हैं इन सबको उठा लो। तो कहते हैं हम सोच रहे थे कि ये रोटियाँ इसलिए उठवा रहे हैं कि जगह साफ़ हो जाए, कोई और रिस्क के ऊपर पाँव ना रखे। थोड़ा और गए, आगे गए, इसी तरह और कुछ रोटियां लोगों की मिली, वो हमसे कहा उठा लो, साफ़ करो, अपने पास रखो। फिर कहते हैं हम हरम के सहन में दाखिल हुए तो वहाँ पर आप जानते हैं ईरानियों की बड़ी आदत है, वो खीरा खाते हैं, क्यूकम्बर ना रोटी के साथ, उसमें पनीर और बाकी चीज़ें डालकर। तो कहते हैं कि कुछ खीरे पड़े हुए थे,
जो अत खाए हुए थे, यानी खा के किसी ने छोड़ा हुआ था हरम के सहन में, उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि ये उठाओ और अपने पास महफूज करो। कहते हैं हम अभी सहन हरम इमाम रज़ा में थे कि आप वहीं बैठ गए और आपने फरमाया आज हमारा खाना यही है। वो कहते हैं हम तालिब इल्म, हम हौजा पढ़े हुए, हम सोच रहे थे कि आयतुल्ला तकी बहजत हमें तफसीर पढ़ाएंगे, मंतिक पढ़ाएंगे, फ़लसफ़ा पढ़ाएंगे, न जाने क्या क्या हमें सिखाएंगे, हमें बड़ा आलिम बना देंगे, बहुत सारा इल्म आ जाएगा हमारे पास। लेकिन जब हम जाकर बैठे उनके साथ, उन्होंने कहा ये खाओ। कहते हैं हमने कहा हम ये क्यों खाएं, आपके साथ आए हैं, हमारी ज़बान में हम यूँ कहें इमाम रज़ा का टिकट दिलाएं लंगर का, हम तो वो खाएंगे, हमें तो वो सआदत लगता है ना कि हम गए और हमने इमाम रज़ा के हरम में उनके दस्तरखान पर खाना खाया। तो वो कहते हैं कि हम हैरान हुए और हमने कहा कि अगर हम आपसे सीखने आए तो ये तो इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें, ये हम क्यों खाएं। फरमाया सबसे पहले अपने अंदर के तकब्बुर को मारना होगा। अगर ये आजजी आ जाए कि मेरे लिए अल्लाह का रिज्क काफ़ी है और मैं इस बात से दरेग नहीं करता कि मुझे वो खुदा कैसे पाल रहा है, तुम्हारे अंदर जब ये आजजी आ जाएगी फिर जो तुम अपने सीने में डालोगे उस सीने में गुंजाइश बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा फरमाया कि अपने अंदर से गुरूर और तकब्बुर को दूर करो। हम किस खुशफहमी में मुब्तला हैं, हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि नेकी का जो रास्ता है वो दूसरे तरीक़ से है, जबकि नेकी का सबसे पहला कदम, तकर्रुब इलाही का सबसे पहला कदम यह है कि अपने अंदर मौजूद गफलत से ख़ुद को दूर कर दो। तारीख गवाह है कि रसूल खुदा की हक्कानियत, आपकी सदाकत, आपकी अमानत की गवाही पूरे मक्का ने दी, तमाम जोहला ने दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रसूल की ये तमाम सिफात उनके फ़ायदे में नहीं, उन्होंने रसूल खुदा को छोड़ दिया और दुश्मन बन गए। अमीरुल मोमिनीन, आपके मुहिब, आपके चाहने वाले, आपसे इश्क रखने वालों में एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी है जो ख़ुद अपनी तलवार इमाम के हाथ में देकर ये कहता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में आपकी दुश्मनी लिखी है तो मेरा सर अभी कलम कर दीजिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यारान में से जो आपसे मोहब्बत करते हैं, सुन के पढ़ के हैरत होती है कि मरवान इब्ने हकम भी है, वो ज़ियारत अशुरा वाला मरवान, हाँ मरवान इब्ने हकम भी है जो गवाही देता है, कहता है कि मैंने इनसे ज़्यादा बेहतर सिफात वाला कोई नहीं देखा। लेकिन जब आपका जनाजा मदीने में उठता है तो कौन था जिसने हुक्म दिया तीर मारो? मरवान इब्ने हकम, हाँ जो ख़ुद गवाह था। रिवायत क्या कहती है कि वो ऐसा गाफिल कि उसने तीर मारने का तो हुक्म दिया लेकिन जब इमाम का जनाजा पलट गया तो ख़ुद ही मुँह छुपा छुपा कर रोने लगा और कहने लगा मैंने अफजलुल बशर पर जुल्म किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरी जान फिदा, आप जब मक्के में हैं तसव्वुर करें ना कि मेरे आका जब मक्का पहुँचे हैं, आप सबको पता है 28 रजब को आपने मदीना छोड़ा था और जब आप मक्का पहुंचे हैं तो क्या तारीख थी? 3 शाबान। 3 शाबान इमाम हुसैन का मक्का पहुंचना, इसमें अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। हाँ आप मक्का पहुंचे और आपने मक्का कब छोड़ा? शाबान के आगाज़ में आए, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ाद और ज़िलहज, ज़िलहज में हज होता है ना, आपने अहराम हज, 4 महीने इमाम हुसैन मक्के में रहे और उन अय्याम में रहे जब सबसे ज़्यादा मक्का विज़िट किया जाता है अतराफ़ है पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा लोग अय्याम हज में मक्का में आते थे। आजकल वाला तो सिलसिला नहीं था कि फ़्लाइट से उतरे, लोग कई कई महीनों का, कई कई दिनों का सफ़र करते थे तो पहले, हज से पहले पहुँच जाते थे।
और सब जानते हैं, आज अगर आपको पता है कि रसूल खुदा ने पहुँच फरमाया है कि शाबान मेरा महीना है और इस महीने में मेरे अजीज़ हैं जो पैदा होंगे, अल्लाह की निशानियाँ होंगी, तो उस ज़माने के लोगों को नहीं पता था कि शाबान कैसा महीना है। सब जानते थे कि शाबान रसूल अल्लाह का महीना है। माह रमज़ान मक्के में गुजारने के लिए आज मुसलमान जाते हैं, तो उस ज़माने में भी ये चार महीने इमाम हुसैन ने खाने खुदा में गुजारे हैं, खाने खुदा में गुजारे हैं। और जो खाने खुदा में ये चार महीने गुजारे, इसका मकसद क्या था? वो लोग जो दीन से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह का तकर्रुब चाहते हैं और अल्लाह को खुश करने के लिए खाने खुदा में आ रहे हैं, उनको जगाऊं, गफलत से निकालूं, उन्हें बताऊं कि इस वक्त इस खाने खुदा की हिफाजत का रास्ता क्या है। ये चार महीने जो आपने गुजारे, ये चार महीने खाने खुदा में रहकर उम्मत को एक बात समझाई है कि तुमने जो अपने आप को गफलत में रखा है, उससे अगर नहीं निकालोगे तो काबे का चक्कर लगाते रहोगे लेकिन तुम कभी भी हिदायत तक नहीं पहुंच सकोगे। जिसके लिए एक शाहिद मिसाल, रिवायत कहती है कि जब आपने कूच का इरादा किया, माह ज़िलहज का पहला हफ्ता था, आपने ये ऐलान फरमाया कि अगर हमारे ऊपर अमान ना रहेगा तो हम इस जगह से कूच करेंगे। जनाब अबुल फजल अल अब्बास, आपने फरमाया कि ए फरजंद ज़हरा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हुज्जत तमाम करूं। आपने फरमाया हुज्जत तमाम कीजिए। और फिर हज़रत अबुल फजल अल अब्बास ने बाम काबा पर खड़े होकर खुतबा दिया, आपने वहाँ खड़े होकर खुतबा दिया। हज़रत अबुल फजल अल अब्बास का ये खुतबा अनमोल है। आप क्या फरमाते हैं देखिए, कैसे वहाँ रुकने का मकसद बेदारी है, जगाना है, लोग जो मुंह फेरे हुए हैं उनका क़िबला हुसैन को बनाना है, फ़र्जंद रसूल को बनाना है, दीन इस्लाम को बनाना है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की तरफ लाना है। अबुल फजल अल अब्बास ने फरमाया, ए लोगों, ये चार कोनों वाला कमरा था, मेरे बाबा की विलादत ने इसको काबा बनाया। फरमाया ये चार कोनों वाला कमरा था, मेरे बाबा की विलादत ने इसको काबा बनाया। फरमाया कि ऐ लोगों, अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो अल्लाह अपने बंदों बर्जीदगान पर, यानी आइम्मा ताहिरीन पर, ऐसा नूर माथे पर रख देता कि उस नूर से वो पहचाने जाते, लेकिन अल्लाह ने अपनी मर्जी को इसमें ना रखा। अल्लाह ने उनको तुम्हारे दरमियान बतौर आजमाइश रखा। हाँ, फरमाया और कुछ इनकी मोहब्बत में रहे, नूर उन्होंने भी नहीं देखा, कुछ इनकी मोहब्बत में रहे और कुछ ने इनसे मुंह फेर लिया। फिर उसके बाद फरमाते, ए अहले मक्का, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और ये गलती पहली नहीं, इससे पहले तुम्हारे बड़ों ने भी ये गलती की। क्या? अबुल फजल अब्बास फरमाते हैं, तुम्हारे बड़ों की गलती ये थी कि वो अली इब्न अबी तालिब के होते हुए मोहम्मद के कत्ल का मंसूबा बनाते थे, वो अली के होते हुए कत्ल मोहम्मद चाहते थे और आज तुम लोग मेरे होते हुए कत्ल हुसैन का इरादा रखते हो। वल्लाह, जिस तरह मेरे बाबा ने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद का बाल भी का होने नहीं दिया, इसी तरह जब तक मैं जिंदा हूँ हुसैन का बाल भी का नहीं होगा। अबुल फजल अब्बास पर बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अजल फरज। लिहाजा अबुल फजल अब्बास के इस खुतबे ने बहुत सारे अफराद को, जो खाने खुदा का चक्कर इसलिए लगा रहे थे कि वो अपने दिल में मोहब्बत खुदावंदी का सबूत रखें, बहुत सों को बेदार किया। और तारीख ने क्या लिखा? तारीख ने लिखा कि जब इमाम हुसैन ने अपना एहराम हज उम्रे में तब्दील किया, लोग खाने खुदा की तरफ आ रहे थे, आप खाने खुदा से दूर जा रहे थे, तो बहुत से लोग बेदार हो गए, गफलत से निकल आए, यहाँ तक कि जो इमाम के लश्कर की, आपके काफ़िले की जो तादाद थी वो 3000 अफराद पर थी। जब आपने मक्का छोड़ा है, गौर से सुनिए कि जब इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा
तो 3,000 हाजी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि रूही व जिस्मी लकल फिदा या अबा अब्दुल्ला, हाँ कि मेरी रूह और मेरा जिस्म आप पर कुर्बान हो, बे अभी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, जो आपकी मंजिल वो हमारी मंजिल। और जब ये 3,000 लोगों का काफिला कूफे की नीयत से निकला और जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता रहा और कूफे की खबरें आती रहीं, रिवायात ने कहा कि उन लोगों ने अपने मुंह फेरने शुरू कर दिए, अल्लाहु अकबर, मुंह फेरने शुरू कर दिए। और जब तक जनाब हुर से इमाम हुसैन की मुलाकात हुई है, आप जानते हैं कि ये पहली मुहर्रम की मुलाकात थी, जब तक ये मुलाकात हुई है 20 दिनों के फासले में मक्के से कूफा तक, जनाब हुर से मुलाकात का दौरानिया, मक्का छोड़ना और हुर से मिलना 20 दिन की कहानी, 20 दिन में जिस हस्ती ने 3,000 अफराद को लीड किया, जब तक वो हुर से मुलाकात करते हैं आपके पास 60+ लोग थे। इब्तिदा कमाल नहीं है, एक दफ़ा बेदार हो जाना, गफलत को छोड़ देना मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? जब आंखें बंद हों तो जानुए हुसैन हो, जब आखिरी सांस हो तो फातिमा तो जहरा की दुआ का हिस्सा हो। करबला जो पहुंचे हैं ना, वो 72 थे जिन्होंने आखिरी सांस तक इमाम की हमराही रखी हो। एक दफ़ा बेदारी काफ़ी नहीं है। ये मजलिस, ये फर्श अज़ा हमें इब्तिदा करना नहीं सिखाता, हमारी इब्तिदा हो चुकी है, ये हमारे इंतहा अंजाम को सवारने के लिए है कि हमें गाफिल होने की मौत ना आए, हम मरें तो गाफिल ना मरें, हुब में मरें, इस्तकामत में मरें, विला में मरें, इन आँखों से ऐसे ही आंसू बह रहे हों और जो उनका अमर हो उसकी इत्तबा करने वाले हों। लिहाजा जो करबला पहुँचे वो थे जिन्होंने हर मुंह फेरने की आदत को ख़ुद से दूर कर दिया। मेरी जान कुर्बान उन हस्तियों पर जिन्होंने 72 का ऐसा गुलिस्तां सजाया जो आज तक आबाद है, आबाद है, आबाद है, आबाद है, और ता क़याम क़यामत यह आबाद रहेगा। लेकिन मैं और आप इन 72 से बेदारी हासिल करके पहुँचेंगे कहाँ? बात यह है ना कि हमने तो उन्हें याद कर लिया, क्या याद करना एक मस्जिद इमाम बारगाह या एक महफिल की हद तक है या सीनों से सीना दर सीना एक इल्म का इंतकाल है? नहीं, ये 72 इब्तिदा है ताकि हम 313 में शामिल हो सकें। हाँ, ये इनके दामन को पकड़कर हम हर वक्त बाखबर रहकर गफलत से दामन छुड़ाकर अपने आप को 313 में शामिल कर सकें। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाएं तो हम समझिए कि खाने खुदा से निकलकर करबला पहुंचने वालों में हैं, और अगर हम ये करते हुए लड़खड़ाते रहे, इधर उधर अपनी ज़िंदगियों को गुजारते रहे, तो ना हम कूफा पहुंचेंगे, ना कूफे में हमें कुछ मिलना है, और अगर हमारी ज़िंदगी रास्ते में ही कभी ख़त्म हो गई तो हमारी मंजिल हुसैन नहीं है, हमारी मंजिल हुसैन नहीं है। ये इतनी बड़ी नेमत है। लिहाजा वो काफिला जो करबला का चला है मदीने से, मेरी और आपकी जान कुर्बान, देखिए कुछ चीज़ें 28 रजब की ऐसी हैं ना कि जो हमारे लिए, हमारी ज़मीर की, हमारे नफ्स की, हमारी रूह की, हमारी अफकार की आंखें खोलने के लिए बहुत है, अगर हम 28 रजब इमाम की रवानगी को समझ सकें। कहते हैं कि लोग आए जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा के पास, लोग आए जनाब ज़ैनब के पास और कहने लगे कि ऐ ज़ैनब, आपका मकाम इमाम हुसैन के नज़दीक अलग है, अगर आप सिफ़ारिश करेंगी तो इमाम ज़रूर मानेंगे। पूछा क्या सिफ़ारिश करवानी है? कहा कि आप इमाम से कहिए कि अपने साथ बच्चों और ख़वातीन को लेकर ना जाएं, अपनी मंजिल कूफा को ना बनाएं, वो यमन या हिंद की तरफ चले जाएं, वहाँ लोग बेहतर हैं, वफ़ा करने वाले, कूफे वालों में वफ़ा नहीं। देखिए कहा ये जा रहा है हुसैन के साथ जाना नहीं, आज भी कैफियत अलग तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमें हुसैनियत से रोकती हैं। मेरी बीबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया नुही माँ हूँ व
वो नमू तो बड़ा हूँ, जियेंगे तो हुसैन के साथ, मरेंगे तो हुसैन के साथ। ये मेरी और आपकी मंजिल है, ये मेरी और आपका, मेरा और आपका मुद्दा यही है कि जी तो रहे हैं हुसैन के साथ, मरे भी तो इसी नाम पर। हमारी शनाख्त, हमारी मौत याद ही इसलिए की जाए कि ये हुसैन पर फिदा हो गई, ये हुसैन पर कुर्बान हो गई। दूसरा दर्स, अबुल फजल अब्बास के पास लोग आए और कहने लगे कि ए अबुल फजल, आप इमाम से कहिए, आप आदाब हर्ब जानते हैं, जंग के आदाब जानते हैं, आप इमाम से कहिए कि इतनी बड़ी बड़ी जंगों में औरतें और बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते, इतना छोटा काफिला लेकर नहीं जाते, जंग की तैयारी ऐसी नहीं होती। जनाब अबुल फजल अब्बास ने जब ये सुना तो क्या फरमाया, फरमाया मैं हुसैन को मशवरा दूँ? फरमाया वो मेरे इमाम हैं, पेशवा हैं, और मैं उनका मुक्तदी हूँ, उनके पीछे चलने वाला हूँ। मेरा काम यह है कि जहाँ इमाम जाएं मैं ख़ुद वहाँ उनके पीछे पीछे जाऊँ, लिहाजा जो उनका हुक्म है वो मेरे लिए हर्फ़ आखिर है। मैं उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं हूँ, वो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, लिहाजा वो जिस तरफ जाएंगे हम उस तरफ जाएंगे, जो उनकी मंजिल होगी वही हमारी मंजिल होगी। ये दो बयानात बताते हैं कि मदीने से निकलने वाले काफ़िले का क़िबला हुसैन थे। मदीने से निकलने वाले ये यकीन और इरादा रखते थे कि अगर हम इमाम के साथ जाएंगे तो हमारी मंजिल आसान है। और जब इमाम ने कूच का इरादा फरमा लिया, आपने ये ऐलान कर दिया कि हम मदीना छोड़ने वाले हैं, तो आपने बाकायदा विदा किया। तारीख़ इसमें तफसीली वाक़यात नहीं लिखती, अलबत्ता ये ज़रूर लिखती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीन कुबूर की ज़्यारत की, तीन कुबूर की ज़्यारत की। पहली कब्र कब्र रसूल खुदा, दूसरी कब्र कब्र इमाम हसन मुश्तबा, तीसरी कब्र कब्र गुमनाम फातिमा ज़हरा। इन तीन कुबूर की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़्यारत की। कब्र रसूल पर गए, इतना कहा एनाना, रिवायत के जुमले यूँ हैं कि इमाम हुसैन कब्र रसूल खुदा से ऐसे लिपट गए जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ के सीने से लिपट जाता। न जाने कितना तन्हा महसूस किया था मेरे आका ने खुद कि अपने नाना के पास पनाह लेने आ गए। बस इतना फरमाया कि नाना मैं वादा वफा करने जा रहा हूँ, आपकी इस उम्मत ने मेरे लिए वतन को भी महल अमान ना छोड़े। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद दूसरी कब्र जिसकी आपने ज़्यारत फरमाई वो कब्र इमाम हसन मुश्तबा है। आज़ादारों, अगर हम कब्र इमाम हसन मुश्तबा को आज याद ना करें तो हमारा रोमाल फ़ातिमा तो ज़ारा में जगह पाना मुश्किल होगा। पूछे क्यों, आज कब्र हुसैन आबाद है, वहाँ रौनक है, फुर्सा देने वाले हैं, उसकी ताज़ीम करने वाले हैं, ज़वार हैं, सलाम देने वाले हैं, मेरी जान कुर्बान कब्र वीराने इमाम हसन मुश्तबा, जन्नतुल बकी की वीरानी, जन्नतुल बकी की तन्हाई, जन्नतुल बकी की तारीकी, जहाँ आज ताज़ीम का निशान नहीं है। हाय कितनी उजड़ी हुई है कब्र इमाम हसन मुश्तबा। हाय मुसलमानों, हम 61 हिजरी के जुल्म को रोते हैं, आज हमारी आंखें देखती हैं जन्नत के शहजादे की कब्र कैसे तुमने वीरान रखी है, कैसे तुमने बेआबाद रखी है। आज भी अगर कोई शिया जाता है और पूछता है कि इमाम हसन मुश्तबा का रोज़ा कहाँ पर है, आपका मरकत कहाँ पर है, तो जानते हैं क्या बताया जाता है, वो जो पत्थर पड़े नज़र आ रहे हैं ना, वो जो पत्थर पड़े नज़र आ रहे हैं वो कब्र इमाम हसन मुश्तबा सैयदा शबाब अहले जन्नत है। ऐसी वीरान कब्र पर मेरा आका गया, ए भाई जिसके जनाजे को दो जिसके जनाजे को दो दफा उठाया, ए मसमूम जिसको जहर से शहीद किया गया,
तुझको तेरे भाई का सलाम है। आखिर आपका जिहाद बैठना था, मेरा जिहाद कयाम में। अब आपकी कब्र की मुजावरी हुसैन से ना होगी, मैं मदीना तर्क करता हूँ। और उसके बाद रिवायत में लिखा, मेरे आका ने कब्र फातिमा तुज़्ज़हरा का रुख किया, ऐसे कदम बढ़ने लगे जैसे एक शीरखार बच्चा जो सही से चल नहीं सकता, जो आराम से बगैर सहारे के कदम उठा नहीं सकता। ऐसे हुसैन कब्र जहरा पर गए, जब कब्र हसन से उठे थे तो हुसैन के सर पर अमामा था, कंधे पर आबा है, लेकिन न जाने कैसे कब्र जहरा पर बेताब हो कर गए। ना सर पर अमामा है, ना शाने पर अमा है। सलाम देते अस्सलामु अलैकी अय्यत अय्यतुहस सिद्दीका अश्शहीदा वल मज़लूमा, मेरा सलाम उस सच कहने वाली शहीद पर जिसको मज़लूमियत के साथ मारा गया। आज कब्रे ज़हरा पर एक मज़लूम मज़लूमा से मिलने आया है, एक बेकस बेकस से मिलने आया है। अल्लाह की औलादों को सलामत रखे, अल्लाह को कभी औलाद का गम न दे, अल्लाह को आपके बच्चों की कामयाबियां दिखाए। हाय कल्ब ज़हरा, जहां हुसैन ऐसे विदा के लिए आए, कब्र ज़हरा से आवाज आई, वालेकुम सलाम अय्यतु अय्युहल मज़लूम वश्शहीद वल मदबूह, मेरा सलाम हो तुझ पर है मज़लूम, जिसे मारा भी गया हो, ज़िबाह भी किया गया हो, जिसके तरे पारा को पाश पाश किया हो। अल्लाह अल्लाह, ये मुलाकात न जाने किस तरह खत्म हुई। 28 रजब का सूरज तुलू हुआ, सारे काफिले को सजाया गया, जब काफिला आमादा हो गया, रिवायत कहती है कि तरीका ये था कि जनाब अबुल फजल अब्बास ऐलान करते थे कि लोग कब्रें बन लोग कबीला बनी हाशिम की गलियों में ना आए। जब ख्वातीन घरों से बाहर आती, जब काफिला सज गया, रिवायत कहती है कि एक जानिब से अबुल फजल अब्बास ने आवाज लगाई, या अय्युहन्नास वद्दू अब्सारकुम हत्ता तजूजू ज़ैनब बिन्त अली, ए लोगो अपनी निगाहें झुका लो ताकि ज़ैनब बिन्त अली घर से मेरे मौला ने ऐलान किया, तमाम मस्तूरात आई, लेकिन जब ज़ैनब आई अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर ने अपना जानू पेश किया, सजी हुई महमिले हैं, ज़ैनब ने अपना कदम अतहर अली अकबर के जानू पर रखा, अपना हाथ अब्बास के हाथ में दिया। बड़ी शान से ज़ैनब सवार हुई, बड़ी शान से ज़ैनब महमिल पर बैठी, बड़ी इज्जत से ज़ैनब का पर्दा रखा गया। अल्लाह अल्लाह, मुझे 11 मुहर्रम याद आती है, कहाँ 28 रजब, कहाँ 11 मुहर्रम। नज़रत यमीनन व शुमाला, ज़ैनब ने कभी दाएं देखा, 11 मुहर्रम ज़ैनब ने कभी बाएं देखा। जब कोई ना उठाने वाला हाथ पकड़ने वाला आया, सुए गंजे शहीदा रुख करके ज़ैनब ने कहा, ऐ भाई अब्बास, ऐ मेरे अली अकबर, सवार होना चाहती हूँ, क्या बहन को सवार ना करोगे। अल्लाह लानतुल्लाही अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व
سيعلم الذين أسلموا أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكس كل عريان اللهم أقص دينا كل مدين اللهم فرج عن كل مكروه اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلم اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء